तरह से खुशबूदार हमारा असम फूल का था उसी तरह से चमन को कायम रखा जाए, इसके अंदर कोई ऐसी जहरीली दवा ना बोई जाए जिससे फलों को फूलों को बाग को उजड़ने का मौका मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हमारे फूलों के चमन को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम दिफा इतिहास से तौफीक अता फरमाए। छोटे से शायराना अंदाज दोहरा रहा हूँ, चमन पर चमन के तख्त पर जिस शहगुल का तजम्मुल था, हजारों करोड़ों लाखों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था, खुली जब आग नरगिस की ना था कुछ खार कुछ बाकी, बताता बाग वाह रो रो यहाँ ऊंचा वहाँ गुल था। तो मेरे अजीजों मतलब क्या है इस शहर के अंदर चमन के तख्त पर यह हिंदुस्तान हमारा ऐसा खूबसूरत चमन, ऐसा खूबसूरत चमन इसके अंदर हमार किस्म के फूल हमार किस्म के जायकेदार फल और हमार किस्म के खुशबू वाले लाजवाब जलसा ए नौजवानों की बौद्धों की ताकत का मुजाहरा है। आज इतना शानदार नारायणखेड़ की तारीख में ये सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। नारायणखेड़ के अंदर एनआरसी और सीईबी के बारे में आज ये रैली ने निकाला है, ये शानदार रैली निकाली जिसकी वजह से आप सबको बधाई देते हैं। सबसे पहले नारायणखेड़ की पुलिस को इस बात की बधाई दी जाएगी कि उन्होंने रैली निकालने की इजाजत दी। यहाँ के डीएसपी साहब और यहाँ के सीआई और यहाँ के एसआई और पुलिस इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं अब मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों ये आज ताकत का जो मुजाहरा किया है अय्याम मस्जिद और सदर मस्जिद और जुम्मेदार ने लोग मिलकर इस रैली का इत्तेमाम किया है। और एक मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं वो गुलशिता हमारा। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमारे ही देश में हम बेगाने हैं, हमारे ही देश में हमको कोई पहचानने वाला नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक उल्लाह का देश है। आज मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए आपके खून के खतरों को बहा दिया। आज हमको कहते हो कि तुम पाकिस्तानी हो, अरे हम पाकिस्तान అన్ని కులాలు కలిసి ఈరోజు మీ ముందు మనం ప్రకటిస్తాం సార్, మీరు ఎలాగైనా చేసి ఈ చిన్న పల్లె నారాయణగిరి గొంతు అక్కడ వినిపించాలని ఆడేవారు కోరుకుంటున్నాం సార్. గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పిలిపించింది